इस चैनल पर आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिर्दोनवा में मुनासिब कीमत के घर दिखाए जाएंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको तीन मरला पर मुश्तमिल डबल स्टोरी कॉर्नर हाउस दिखाने जा रहे हैं जो शरीफाबाद में मौजूद है, जुमा बाज़ार के करीब वाक़िया है। मज़ीद गोरी टाउन फेज़ 5 से मुंसलिक है और ये एरिया इस्लामाबाद में शामिल होता है। तो ये घर का फ्रंट एलिवेशन है, जो कॉर्नर स्ट्रीट है वो 20 फिट है और ये जो फ्रंट स्ट्रीट है घर के ये 10 फिट वाइड है। और बड़ा बेहतरीन और यूनिक इंटीरियर है इस घर का। 2.5 मरला की रजिस्ट्री है और कवर्ड एरिया इस घर का 3 मरला है पुराने मरला के मुताबिक, जो कि 272 स्क्वायर फिट के मुताबिक काउंट होते हैं। तो घर का फ्रंट एलिवेशन दिखाने के बाद अब इसका आपको प्रॉपर इंटीरियर दिखाएंगे। तो ये इसका पोर्च है, ये मेन एंट्रेंस और राइट साइड पर इसका ड्राइंग रूम। ड्यूल डोर्स हैं ड्राइंग रूम के, एक बाहर की जानब और एक अंदर की जानब। घर में प्रॉपर मार्बल फ्लोरिंग वर्क है। ड्राइंग रूम आपको दिखा रहे हैं, इसमें अटैच बाथ भी है इस तरफ और ये दरवाज़ा गली की जानब है। तो ये जिसका अटैच बाथ है, इसमें नीचे सीट है, वर्किंग वाटर पॉइंट्स हैं, वाश बेसन है, टाइल का काम किया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें फैसिलिटीज़ की, तो बिजली इस घर में मौजूद है, पानी के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंकर बनाया गया है, बोर का पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बोर अभी घर के मालिक ने नहीं करवाया था क्योंकि उनका कहीं और शिफ्ट होने का प्रोग्राम था। अगर तो लॉन्ग टाइम उनका यहाँ स्टे करने का प्रोग्राम होता तो वो पानी का बोर भी करवा सकते थे, क्योंकि पानी यहाँ पर वाफर मकदार में मौजूद है, पानी की कोई कमी यहाँ पर नहीं है। और बात करें सुई गैस की, तो सुई गैस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा चुकी है और अगले मंथ इंशाल्लाह यहाँ पर गैस भी लग जाएगी। तो मेन एंट्रेंस से हम आगे आ चुके हैं, ये एक अटैच बाथ इस तरफ और ये ओपन किचन इसके सामने, यानी कि जो टीवी लाउंज की जगह है वो इतनी महदूद है जिसमें एक ओपन किचन है और साथ ये मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा और ये बाथ है। पहले आपको बाथ दिखा देते हैं, ये सेकंड बाथरूम आपको दिखा रहे हैं, इसमें नीचे सीट है, वॉश बेसन है, शावर है और टाइल का काम भी किया गया है और वर्किंग वाटर पॉइंट्स हैं। तमाम तर जो भी आपको इस घर का इंटीरियर हम दिखा रहे हैं बिल्कुल उसमें ओरिजिनल और एक नंबर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और मज़बूत लकड़ी के दरवाज़े। और ये इसका पहला बेडरूम जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है और ये सीलिंग जिसमें आप रोप लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसे एलईडी लाइट भी कहा जाता है, वो सीलिंग में इस्तेमाल हो सकती है। और ये इसकी कबर्ड्स हैं, फुली कवर्ड है जो इसकी दीवार है कबर्ड्स के साथ, बीच में ड्रेसिंग की भी थोड़ी जगह बनी हुई है। तो ये इसका ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर है, प्रॉपर मार्बल फ्लोरिंग वर्क आपके सामने और ड्यूल डोर्स हैं मेन एंट्रेंस पे भी और ड्राइंग रूम पे भी। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानब और वो भी आपको दिखाते हैं। अपस्टेयर्स के साथ स्टील रीलिंग मौजूद है जो कि एक बेहतरीन सपोर्ट है बच्चों और बड़ों के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर भी इसका कुछ ऐसे ही है कि 2 रूम्स हैं और जिनके साथ अटैच बाथ हैं और ये एक ओपन किचन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन किचन दिखा रहे हैं, ये किचन का रिव्यू हो गया और ये इसका बेडरूम, ये इसका बेडरूम। इसमें सेम टू सेम सीलिंग जिसमें आप रोप लाइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अटैच बाथ है, सेम ऐसे ही जैसे ग्राउंड फ्लोर पे आपको बाथ दिखाया, यहाँ भी ऐसे ही ये शावर है इस बाथ में, वॉश बेसन है, नीचे सीट लगी है, टाइल का काम किया गया है
और जो सेकंड रूम है इसका ऊपर, उसके साथ भी अटैच बाथ है। ऊपर दोनों बेडरूम्स हैं और नीचे एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम अकाउंट होता है। तो यहाँ से हम ऊपर आएँ तो एक तरफ ये हिस्सा है जो आपको दिखा चुके हैं और एक तरफ इसका अलग दूसरा रूम बना हुआ है जो कॉर्नर की तरफ है और उसकी विंडो जो है वो कॉर्नर स्ट्रीट की तरफ है। ये सीलिंग और ये विंडो वेंटिलेशन के लिए कॉर्नर स्ट्रीट की जानब, जो कि आपको बता चुके हैं 20 फीट वाइड है और जो फ्रंट है वो 10 फीट वाइड स्ट्रीट है। तो इसमें भी अटैच बाथ है, कबर्ड्स भी इससे पहले आपको दिखाई इस रूम में भी मौजूद हैं। और ये जो बाथ है इसमें कमोड भी है और साथ सीट भी लगी हुई है, इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं और वेंटिलेशन के लिए भी ऊपर जगह बनी हुई है। मज़ीद अहम बात कि घर का मैप अप्रूव्ड है और रजिस्ट्री इंतकाल भी मौजूद है जो कि मौका पर क्लाइंट के नाम पे फॉरवर्ड की जाएगी। एक बड़ा बेहतरीन किस्म का ये घर है, वो भी मुनासिब कीमत में उन क्लाइंट्स के लिए जो लो बजट के घर देख रहे हैं। और डबल स्टोरी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, जो कि आपको ये घर दिखा रहे हैं गोरी टाउन की लोकेशन में, जो कि एक आइडियल लोकेशन है। तो अभी इन द एंड हम घर के छत की तरफ आ चुके हैं। यहाँ तक कंप्लीट वीडियो दिखाने का मकसद आपको ये था, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर का ये इसरार होता है कि वीडियो के लास्ट में घर का छत भी दिखा दिया करें ताकि हमारी असेसमेंट मुकम्मल हो सके। तो आसपास की लोकेशन भी आप देख लें, तर्ज ज़िंदगी की यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अगर इस घर की रेंटल वैल्यू की बात करें तो एक पोर्शन तकरीबन आप 10,000 रुपये तक दे सकते हैं। तो मज़ीद भी आप कोई डिस्कशन करना चाहें इस घर के हवाले से तो उसके लिए आप रابطہ कर सकते हैं। और बात करें डिस्टेंस की तो ये जगह हाईवे से 5 मिनट की मुसाफत पर है और इसकी एक तरफ खाना पुल है और दूसरी तरफ कुराल चौक है। तो वीडियो के लास्ट में आपको इस घर की डिमांड और इसका एड्रेस एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस घर की डिमांड 58 लाख रुपये है। जी हाँ, 58 लाख रुपये इस घर की डिमांड है। और ये घर शरीफाबाद में मौजूद है, जुमा बाज़ार के करीब है, गोरी टाउन फेज़ 5 से मुंसलिक होता है और ये एरिया इस्लामाबाद में शामिल होता है। अगर आप भी घर या प्लॉट ख़रीदना चाहें या सेल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पिन किए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मौसूल हो।